हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, यू मस्ट हैव रीड अबाउट सेल्स एंड डीएनए इन योर साइंस बुक्स, डिस्कस रिचर्ड एब्राइट्स वर्क इन द लाइट ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड। कि दोस्तों, हमने अपनी बायोलॉजी की क्लास में हमने सेल्स डीएनए के बारे में जरूर स्टडी किया है, हमें उसी के बारे में डिस्कशन करनी है, आपस में बात करनी है कि किस तरीके से रिचर्ड एब्राइट की दोस्तों ये जो फाइंडिंग है, इसने कितना बड़ा एक साइंटिफिक वर्ल्ड में चेंज लाया है। तो दोस्तों, अगर मैं आज की बात करूं तो देखिए, 10th क्लास में स्टूडेंट्स हमने साइंस में सेल्स के बारे में बिल्कुल पढ़ा है। हमें पता है कि जो हमारी बॉडी होती है उसमें जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो भी चीजें हैं, सारी चीजें टिश्यूज से बनी हैं, और जो टिश्यूज होते हैं वो सेल से बने हैं दोस्तों। तो मतलब कि जो सेल है वो हमारी लाइफ का एक बेसिक कॉम्पोनेंट है, हमने ये चीज स्टडी की है। और दोस्तों, उसी की जो वर्किंग है, हमारे ऑर्गन्स की जो ग्रोथ है, जब हमें कोई डिजीज होता है उसकी मेडिसिन, ये सारी चीजें दोस्तों कहीं ना कहीं सेल्स और डीएनए से ही रिलेटेड होती है। बल्कि दोस्तों, आजकल तो हम मूवीज में भी देखते हैं कि जो पुलिस होती है वो बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर पाती है कि यहाँ पे क्रिमिनल कौन है, और ये चीज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से बहुत बारी की जाती है। तो मतलब कि डीएनए भी आजकल बहुत बड़ा हमारी लाइफ में रोल प्ले करता है, रियल वर्ल्ड में हमें इसकी एप्लीकेशन बिल्कुल दिखाई देती है। तो मतलब कि ये चीज तो समझ आ गई। फिर आगे क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क लाइक रिचर्ड एब्राइट ऑन प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स, विच फील्ड वुड यू लाइक टू वर्क ऑन एंड व्हाई। कि दोस्तों, अगर कभी हमें मौका मिले रिचर्ड एब्राइट की तरह काम करने का, प्रोजेक्ट और एक्सपेरिमेंट करने का, तो हम क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस कहानी में हमने बटरफ्लाइज के बारे में काफी कुछ स्टडी किया है, और हमने देखा था कि रिचर्ड एब्राइट की लाइफ में दोस्तों एक वहां पे एक फेलियर रहा था कि वो ज्यादा बटरफ्लाइज का जो माइग्रेशन पैटर्न होता है उस पे ज्यादा कोई रिसर्च नहीं कर पाए थे। दोस्तों, अगर मुझे मौका मिले मैं तो उसी फील्ड को चूज करूंगा। मैं एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा नेविगेशन सिस्टम बनाना चाहूंगा जिससे कि ऐसे ही बटरफ्लाइज का जो माइग्रेशन का रूट है, पैटर्न्स हैं, उसके बारे में और ज्यादा रिसर्च की जा सके। तो चलिए दोस्तों, मुझे बताइएगा कि अगर आपको ऐसा मौका मिले तो आप क्या करेंगे। तो बहुत इजीली इस क्वेश्चन का आंसर भी लिखा जा सकता है, इसका रिटन सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, उसको भी जरूर विजिट कीजिएगा। आपको पता लग जाएगा कि आंसर को सही तरीके से हमें स्ट्रक्चर कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने इसको बहुत ही अच्छे से रीड किया, सारे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। अगर इस पूरे चैप्टर को आप शॉर्ट में रिवाइज करना चाहते हैं तो रिविजन लेक्चर अवेलेबल है, उसको जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए पीयूस्टैक ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड पीयूस्टैक ऐप।